वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें देश की क्षमता और प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। राफेल मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, कहा तय समय पर ही मिलेंगे राफेल विमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने कभी भी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन किसी ने हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं किया तो उसको सबक सिखाने से भी हम पीछे नहीं हटे। दिल्ली के उप राज्यपाल के कार्यालय में 13 व्यक्ति हुए कोरोना पॉजिटिव, पूरा भवन हुआ सैनिटाइज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जुलाई में आयोजित हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र, सेंट्रल हॉल में बैठेगी लोकसभा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक 2 जून तक पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,73,000 से ज्यादा। जीएसटी के रिटर्न में जल्द ही केंद्र सरकार कर सकती है बदलाव, कोशिशें जारी। रांची के रिम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग की हुई शुरुआत, गरीबों का मुफ्त होगा इलाज। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि सिंधी का पोतनी बाद ग्रीनलैंड के रूप में होगा विकसित। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई, व्यवसायिक कोर्स, तकनीकी कोर्स, नर्सिंग से गरीब छात्रों का फीस सरकार से वहन करने की मांग की। असम में भूस्खलन से 20 लोगों की हालाकांडी में मौत, 9 लोग हुए घायल, पुलिस बचाव और सुरक्षा कार्य में जुटी। निसर्ग को देखते हुए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 10 और गुजरात में 11 टीमें लगाई गई। सचिन तेंदुलकर ने की अपील, इंस्टा पर पोस्ट लिखकर कहा महामारी के वक्त रखें माँ बाप का खास ख्याल। सीएमआरई का दावा, लेबर मार्केट में हालात सुधरे, मई माह में 2 करोड़ से अधिक नए जॉब जुड़े। अमरनाथ गुफा में वर्ष से बना शिवलिंग, पहली तस्वीर भी आई सामने, सरकार ने यात्रा पर अब तक नहीं लिया है कोई निर्णय। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। सब कोई अंदर रहता है। Stay home, stay safe, Asian Paints. Here's to those who get out of bed looking hopeful, looking ahead, like you girl in that lipstick so red. Long live bold. Ajio and over 2,000 fashion brands salute your spirit. Ajio.com.